खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। तालीमी साल के आखिरी दिनों में वबाई पाबंदियों के खौफनाक शिकंजे से आजाद हुए स्कूल। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार से काम सीखें मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भगवत कराड़। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत ने की बीजेपी पर तनकीद। और कचरा उठाने में लापरवाही बरतने वाली रेड्डी कंपनी पर लगा जुर्माना, सफाई इंस्पेक्टर को भी जारी किया गया शो कॉज नोटिस। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल इसी शेर के मिसदाक तालीमी साल के सबसे अहम और आखिरी अयाम में महकमे तालीम ने स्कूलों पर लगी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है। आज जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत हुकूमत ने अव्वल ता 9 और 11वीं जमात में अब तलबा को 100% हाजिरी की इजाजत दी है। महकमे स्कूली तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज मुश्ताक खाजी ने आज ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक मार्च और अप्रैल में पहली ता 9वीं और 11वीं जमात में तलबा की तादाद पर लगी पाबंदी पूरी तरह से हटा ली गई। अगले महीने अप्रैल के तीसरे हफ्ते सालाना इम्तिहान मुनक्कद करने की हिदायत भी की। अप्रैल के आखिर तक फुल टाइम स्कूल चलाने और अख्तियारी तौर पर इतवार को भी स्कूल खुले रखने की हिदायत भी की गई। स्कूल सुबह की शिफ्ट में खोले जाएं, साथ ही तमाम पीरियड लेने की हिदायत की गई है। तालीमी साल का आखिरी और सबसे अहम दौर चल रहा है। पूरा तालीमी साल पाबंदियों की नज़र हो गया, तलबा तालीम से महरूम रहे, इनका वक्त और तालीम बर्बाद हो गई। अब जबकि हुकूमत ऑफलाइन इम्तिहान ले रही है, ऐसे में तालीमी नुकसान से दो चार तलबा में तश्वीश बढ़ती जा रही है। तालीमी साल के आखिर में पूरी तरह से पाबंदी हटाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तालीमी हलकों में महकमा तालीम के अंधाधुंध इकदामात पर नाराज़गी नज़र आ रही है। गांव की सतह पर अवामी मसाइल हल करने के लिए शिवसैनिक काम करे और अगले हर इलेक्शन में भगवा परचम लहराए, ये अपील शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट विनायक राव ने सिल्लोर में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिवसैनिकों से की है। शिवसेना की जानिब से पार्टी की तंजीमी मजबूती और अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए रियासत भर में शिवसंपर्क मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज सिल्लोर सोएगांव इसम्बली हलके में पंचायत समिति हलकों के एतबार से मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत, चंद्रकांत खेरे, नरेंद्र त्रिवेदी, अब्दुल समीर, श्रीराम महाजन, अर्जुन गाड़े, केशवराव तायड़े, सुधाकर राणे, विजय सुड़े, किरण अमीन वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर विनायक राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ को अब्दुल सत्तार से सीखना चाहिए। बीजेपी की विजरा सिर्फ वादे करने जानते हैं, अवामी मसाइल हल करना उन्हें नहीं आता। विनायक राउत ने शिवसैनिकों से पूरी ताकत के साथ काम करने और पार्टी को मजबूत बनाने की अपील भी की। भारतीय जनता पक्षाचा नेता देवेंद्र फडणवीस अत्यंत निर्लज्जपणे आणि कुत्सित भावनेने बाळासाहेबांचा उल्लेख, हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेबांचा उल्लेख जना बाळासाहेब ठाकरे करून हिंदू धर्मियांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा हा कुटील डाव देवेंद्र फडणवीसांचा हरून पाडण्याची आवश्यकता आहे। जनाब या शब्दाबद्दल आम्हाला आदर आहे। सकाळी 10 वाजेपासून मी आणि सत्तार साहेब सकाळी 10 वाजेपासून तर रात्री 10 वाजेपर्यंत जेवण नाही, काही नाही, काही नाही, 12 सभा घेतल्या मोठ्या मोठ्या। अशा फुलंब्री तालुक्याला सुद्धा लोक म्हणतात की आम्हाला आमदार पाहिजे शिवसेनेचा, आणि सगळ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुद्धा साहेब शिवसेनेच्या पाहिजे। बाकी आम्हाला सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना विश्वासपात्र समजतो, पण ते सुद्धा ते हरिभाऊ नामेच्या मांडीवर जाऊन बसले, काहीच उपयोग नाही।
मग आपण आपल्या एकट्या शिवसेनेने प्रयत्न का नाही करायचा? तो सत्तार साहेबांनी सांगितलं, साहेब आपण हे सुद्धा जिंको। कोरोना की खौफनाक वबाई असरात की वजह से बुजुर्ग अफराद का सफर करना अब महंगा हो गया है। वबाई दौर में हुकूमत ने रेलवे में सफर करने वाले बुजुर्गों को टिकट पर दी जाने वाली 50% रियायत बंद कर दी है। अब इस स्कीम को दोबारा शुरू करने का मतालबा किया जा रहा है। बरेच दिवसापासून कोविडच्या काळामध्ये सीनियर सिटीजनचं हाफ तिकीट किंवा ज्या शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्या पूर्णपणे बंद पडलेल्या आहेत। तरी पण आता सर्व सुरळीत सुरू असताना अजूनही ते बंद आहे। असं बंद होणं हे आम्हा सर्वांसाठी ते योग्य नाही आहे आणि त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाने याची दखल घेऊन हे पूर्ण पूर्णत्वास न्यावे आणि लवकरात लवकर ही योजना हाफ तिकीटची योजना सीनियर सिटीजन्सला त्याचा फायदा व्हायला पाहिजे। अजूनही त्याचा फायदा असा होत नाही आहे, लोकांची परेशानी होते। त्यामुळे सर्वांनी सर्व आम्ही सीनियर सिटीजन्स अशी शासनाला विनंती करतो की लवकरात लवकर ते आपण चालू करावे आणि लोकांना त्याबद्दलचा लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न शासनाने करावे। शादी का झांसा देकर माशुका के जेवरात लेकर फरार हुए धोखेबाज आशिक को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह शिवर में भी लूट मार की एक वारदात में मुलविस एक लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने सतारा बीड़ बाईपास से परफुल रमेश जगताप साकिन मावली नगर को गिरफ्तार किया था। परफुल ने एतराफ किया कि इसने गोवंडी मुंबई में एक लड़की को अपने इश्क के जाल में फांसा था और इसके 5 लाख रुपए मालियत के 12 तोले के जेवर चोरी करके फरार हो चुका। इस वारदात में मुंबई पुलिस भी इसे तलाश कर रही थी। मुंबई से भाग कर परफुल औरंगाबाद में रह रहा था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने परफुल को शिवाजी नगर पुलिस थाना मुंबई के हवाले कर दिया है। क्राइम ब्रांच की पुलिस की एक टीम ने भुईवाड़ा में एक कार्रवाई के दौरान कांचन सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया। कांचन सिंह ने शिवर पुलिस थाने की हदूद में लूटमार की एक वारदात की थी। शिवर पुलिस उसे तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कांचन सिंह को भी देही पुलिस के हवाले कर दिया। NICU में लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिम ने सरकारी मलकियत वाली जमीन फरोख्त करने के मामले में कार्रवाई का मुतालबा अब बढ़ता जा रहा है। कास्ट्राइब संगठन ने घाटी इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। ये मुलाजिम घाटी अस्पताल के NICU वार्ड में तैनात है जिस पर जाली दस्तावेजात की मदद से सरकारी इमलाक फरोख्त करने का इल्जाम है। कास्ट्राइब संगठना के एक वफद ने घाटी इंतजामिया से इस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वफद में NM पोड़े, देवानंद वानखेड़े, विलास जगताप, संजय मंजूर, अनिल पांडे, परवीन साड़वे, संदीप ढेपे, मंगेश दामोदर और बड़ी तादाद में संगठना के कारकुन मौजूद थे। औरंगाबाद शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से आज मजदूर पेशा अफराद के लिए ई श्रम कार्ड कैंप मुनक्कद किया गया। ये कैंप शाहगंज के गांधी भवन में रखा गया था। हुकूमत ने मजदूर पेशा अफराद और मुख्तलिफ पेशों से जुड़े हुनरमंद कारीगरों की माली मदद के लिए ई श्रम कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत ऐसे अफराद का रजिस्ट्रेशन जारी है। इसी मकसद से आज ये कैंप रखा गया। कैंप का इफ्तिताह हिशाम उस्मानी ने किया। इस कैंप का अहतमाम करने वालों में मुदस्सिर अंसारी, मेराज सिद्दीकी, शेख मुनीर, मिर्ज़ा माजिद बेग, सैयद कलीम, फैसल खान, आगा खान और शेख शकील वगैरह शामिल हैं। इस कैंप में बड़ी तादाद में मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। सेल की तरफ से गांधी भवन में श्रम कार्ड का एक कैंप मुनक्कद किया गया है। इसके लिए हमारे औरंगाबाद के विकलांग सेल के शहर अध्यक्ष मुदस्सिर अंसारी साहब ने काफ़ी मेहनत की है और इनकी सारी टीम ने इनको काफ़ी ताउन किया। इसके अंदर इनके साथ पूरा जी जान से मेहनत करके इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं कि सवेरे से काफ़ी विकलांग भाई और बाकी भी दीगर गरीब लोग जो है वो इस कैंप का फ़ायदा ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप से औरंगाबाद की जनता को फायदा होगा और लोगों के मसले हल होंगे। कचरा उठाने में लापरवाही बरतने पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुख्तलिफ कदम उठाते हुए रेड्डी कंपनी पर जुर्माना लगा दिया है। इसी तरह मुतालिका सफाई इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस भी जारी किए। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे आज झालटा में कारपोरेशन के STP प्लांट का मुआयना करके लौट रहे थे।
चिकलथाना, संजय नगर और मुकुंदवाड़ी के रास्तों पर उन्हें कचरा पड़ा हुआ नजर आया। अपनी गाड़ी वहीं रोककर उन्होंने घनकचरा प्रोजेक्ट के अफसरान को रेड्डी कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाने और मुतल्लिका सफाई इंस्पेक्टर के खिलाफ शूकास नोटिस जारी करने की हिदायत की। उन्होंने जालना रोड पर कचरा फैलाने वाले दुकानदारों से भी जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया। इनके हमरा सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, घनकचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी और सविता सोनोने वगैरह मौजूद थे। महाअनुभव आश्रम के जानिब से 27 मार्च को संत एकनाथ रंग मंदिर में ज्ञान शक्ति स्वीकार दिन महोत्सव मनाकद किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदर्शन महाराज ने महोत्सव की तफसील बताई। श्री कृष्ण मंदिर महानुभव आश्रम आणि ग्लोबल महानुभव संघ या दोन्ही संस्थेच्या वतीने येणाऱ्या 27 तारखेला म्हणजेच रविवारी संत एकनाथ रंग मंदिर येथे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठजी यांचं व्याख्यान आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमासाठी आपण सर्व औरंगाबादवासियांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा, भरभरून उपस्थिती तिथे दर्शवावी। फक्त उपस्थिती दर्शवत असताना पासेस मात्र आपल्याला कंपल्सरी घेणं आहे आणि ते पासेस आपल्याला श्रीकृष्ण मंदिर महानुभव आश्रम पैठण रोड औरंगाबाद येथे आपल्याला कार्यालयीन वेळेमध्ये येऊन प्राप्त करायचे आहेत। बंधूंनो, ज्ञानशक्ती स्वीकार दिन या टायटलखाली हा कार्यक्रम आयोजित केलेला असून सर्व धर्म समभाव या भावनेतून श्रीकृष्ण जन्मभूमी या विषयावर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठजी आपल्यासोबत संवाद साधायला येणार आहेत। प्रत्येक औरंगाबाद वासियांसाठी हा एकदम सुवर्ण क्षण आहे। राम मंदिर पूर्ण झालेला आहे, आता आपल्याला सर्वांना आस आहे श्रीकृष्ण जन्मभूमीची। त्यामुळे या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी आवर्जून उपस्थिती लावावी असं आवाहन मी सुदर्शन महाराज ग्लोबल मानव संघाच्या वतीने आपल्या सर्वांना करीत आहे। मंगलसूत्र चोरी की एक वारदात में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 8 घंटे के अंदर एक उचक्के को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से मसरूका मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है। बुध की दोपहर वसंतराव नाईक चौक सिडको पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 सवारों ने रास्ते से गुजर रही एक खातून का मंगलसूत्र छीन लिया था। तहकीकात में पुलिस उचक्कों का पता लगाने में कामयाब रही। पुलिस को इत्तला मिली थी कि ये तीनों अंबर हिल के इलाके में मौजूद हैं। फौरी हरकत में आई क्राइम ब्रांच की एक टीम तीनों को पकड़ने पहुंची। ये तीनों एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस को देखकर ये मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। इनके नाम संतोष जाधव, खालिद रज्जाक पटेल और जयसिंह राठौड़ बताए जाते। पुलिस ने इनके कब्जे से मसरूखा मंगलसूत्र और मोटरसाइकिल समेत 76,000 रुपए का माल भी जब्त किया। इन्हें पुरनिक नगर पुलिस थाने के हवाले किया गया है। आलमी योम टीवी के मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोजी मर्ज टीवी के तहत अवामी बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए हैं। कॉर्पोरेशन की जानिब से आज सुबह क्रांति चौक से एक साइकिल रैली निकाली गई। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर साबिक म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले भी मौजूद थे। टीवी से मुतालिक अवामी बेदारी के लिए कॉर्पोरेशन 13 अप्रैल तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकद करवा रही। शहर से कचरा उठाने वाली गाड़ियों के लाउड स्पीकर पर ऐलानात शुरू किए गए हैं। स्कूलों का सर्वे भी जारी है। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने ADN से बात करते हुए आलमी यौम टीबी की तफसील बताई। यावर्षी आपण 24 मार्च जागतिक क्षयरोग दिन म्हणून साजरा करतोय। आज सकाळी 6:30 लेमन ट्री हॉटेल येथून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। तसेच आपण शहरात 2021 ज्या खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी जास्तीत जास्त क्षयरुग्ण आपल्याकडे रेफर केलेत अशांना आपण सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना गौरवण्यात येत आहे। सन 2021 जवळपास 3,820 क्षयरुग्ण आपण शोधून काढलेले शहरातील आणि त्यापैकी जवळपास 80% रुग्ण हे बरे झालेले आहेत। MDR जवळपास 153 रुग्ण आहेत। 153 रुग्ण MDR याचा अर्थ असा होतो की जे रुग्ण पहिल्या औषधाला जे दाद देत नाहीत अशा रुग्णांना MDR रुग्ण असे म्हटले जाते। तसेच आपण शाळेमधून आपण प्रश्नमंजुषा एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे, पण सध्या परीक्षेचा कालावधी असल्यामुळे तो कार्यक्रम आपण 28 तारखेच्या नंतर घेणार आहोत। जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त 24 मार्च हा प्रतिवर्षी पूर्ण जगामध्ये राबवला जातो, तर त्या दृष्टीने हिच्याबद्दलचं जे अवेअरनेस आहे, ट्युबरक्युलॉसिसबद्दलचं जे अवेअरनेस आहे, तर ते समाजामध्ये अवेअरनेस या गोष्टीचं व्हायला पाहिजे की बाबा मोर दॅन 2 आठवड्यापेक्षा जास्त खोकल्याचा रुग्ण जर असेल घरामध्ये वगैरे तर त्याला दाखवून घ्यायला पाहिजे, त्याला त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन करून घ्यायला पाहिजे आणि त्यासाठी विविध उपक्रम
फक्त आजच्याच दिवशी राबवला जातात असे नाही, सातत्याने वर्षभर त्याचं अवेअरनेस आपल्या पूर्ण हेल्थ सेंटरवरनं व्हावं आणि सोसायटीमध्ये प्रत्येक जणांना त्या गोष्टीचं अवेअरनेस व्हावं यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेने विविध उपक्रम आज तर आयोजित केलेलेच आहेत, पण वर्षभर ह्या गोष्टी सगळ्या सस्टेन राहाव्या त्यासाठी प्रायव्हेट नोटिफिकेशन जे आहे, म्हणजे प्रायव्हेट डॉक्टरकडे जरी एखादा पेशंट गेला, त्यांच्याकडं एक्झामिन केलं तिथं आणि तिथं जर डिटेक्ट झालं की बाबा त्यांना ट्युबरक्युलोसिस आहे, तर त्या पेशंटला त्या रुग्णांना फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन मिळालं पाहिजे, त्यांच्या ज्या तपासण्या आहेत त्या विनामूल्य झाल्या पाहिजे, तर त्या लोक त्या डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये आपण आमच्या ज्या आरोग्य यंत्रणेचे जे काही अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांचे नाव मोबाईल नंबर कुठल्या वेबसाईटवर त्यांनी ते नोटिफाय करायचं याचे पूर्ण स्टिकर आपण त्यांच्या याच्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये लावत आहोत. त्याच्यानंतर केमिस्ट आहे, एखाद्या केमिस्टकडे म्हणजे दुकानदाराकडे जरी पेशंट गेलेला असेल तर त्यांनीसुद्धा ते नोटिफाय करणं बंधनकारक आहे. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की आम खबरों पर. तालीमी साल के आखिरी दिनों में वबाई पाबंदियों के खौफनाक शिकंजे से आजाद हुए स्कूल. रियासती वजीर अब्दुल सत्तार से काम सीखें मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भगवत कराड़. शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत ने की बीजेपी पर तनकीद. और कचरा उठाने में लापरवाही बरतने वाली रेड्डी कंपनी पर लगा जुर्माना, सफाई इंस्पेक्टर को भी जारी किया गया शू कॉज नोटिस. नाजरीन ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.